गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से। आज हम क्लास सिक्स का जो हमें ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें हमने आज पढ़ना है सब टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर अस, कि जो फॉरेस्ट है हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो हमने पढ़ा था कि एक तो हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमें फॉरेस्ट ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स मेडिसिन के लिए हो या घर बनाने के लिए हो या लकड़ी जला खाना बनाने के लिए ज़रूरी हो। तो घर बनाने के लिए हमें फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, फर्नीचर के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें फॉरेस्ट जो है यूज़फुल होते हैं। और मैनी जो वाइल्ड लाइफ हैं वो डिपेंड है अपने रहने के लिए फॉरेस्ट के ऊपर। तो आज हमने पढ़ना है वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तरह तरह के जानवर रहते हैं। हम सोच भी नहीं सकते इतनी इतनी किस्में रहती हैं जानवरों की, पक्षियों की, कीड़ों को मकोड़ों की, बहुत सारी किस्में जो हैं वो रहती हैं जंगल में। ठीक है, फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी, फॉरेस्ट जो है वो घर है बहुत सारे किस्मों के, एनिमल्स की किस्मों की, लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में जो स्नैक वगैरह होते हैं जो वो रहते हैं, उनकी भी बहुत सारी किस्में होती हैं, वो रहती हैं जंगलों में। एम्फीबियंस रहते हैं, मैमल्स रहते हैं, मैमल्स मीन्स होते हैं जो एनिमल्स अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं एनिमल्स, एनिमल्स को पैदा करते हैं वो रहते हैं। बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं वो, एंड वर्म्स, वर्म्स भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, जीते हैं। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, जो टाइगर है वो हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो ये बहुत सारे हमारे कंट्रीज के पार हिस्सों में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लाइंस, जो गिर का जंगल है गुजरात, गुजरात में एक जंगल है गिर का, इसका नाम है गिर, उसमें वो किसका घर है, एशियाटिक लाइंस का, शेरों का। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड रिनोसेरोस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। वन हॉर्न्ड रिनोसेरोस क्या होता है, एक एनिमल होता है गैंडे की तरह होता है, उसके नाक के ऊपर एक सींग होता है जी, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिनोसेरोस। ठीक है, हाथी और जो ये वन हॉर्न्ड एक सींग वाला रिनोसेरोस है वो कहाँ पे रोम में, कहाँ घूमते हुए पाए जाते हैं, आसाम के जंगलों में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका, हाथी पाए जाते हैं केरला में और कर्नाटका में। कैमल्स एंड वाइल्ड आसिस आर फाउंड इन रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऊँट पाए जाते हैं और जंगली गधे जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ में, कच्छ एक जगह है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, ठीक है, टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है और जो पीकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर, देखिए एक बर्ड्स में आपके आगे पीकॉक, और कौन से बर्ड्स हैं, पैरट है, पिजन है, माइना है, गीज है, बुलबुल है और बतख है, डक। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू कीप बर्ड्स देयर नेशनल हैबिटेट, सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरी मीन्स बर्ड पक्षियों के रहने की एक जगह बनाई गई है जिसमें बहुत सारे पक्षियों का घर है, नेचुरल हैबिटेट है, पक्षियों ने अपने आप उसमें घर बनाया है, मतलब जंगल का एक एरिया ही बर्ड्स के लिए रख दिया गया है ताकि वो बर्ड जो है अपना वहाँ पे घर बना सकें वहाँ पे जंगलों में। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत सांपों की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। बड़े सांप होते हैं, छोटे हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं, पीले हैं, हर तरह के सांप होते हैं, कोई डेंजरस होते हैं, कोई कम डेंजरस होते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत हज़ारों की तादाद में सांपों की किस्में पाई जाती हैं। कोबरा एंड क्रैट्स आर इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम, और दोनों में से एक कोबरा का सांप और एक क्रैट सांप जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सांप है। ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, ठीक है, पेड़ों को काटने से क्या हुआ है, एक तो पेड़ों को काटने से और एक जानवरों का शिकार करने से क्या होता है, ये जानवर जो है हमारे इंडिया में बहुत ही कम हो गए हैं।
तो जंगल ख़त्म हो गए हैं, अगर जब हम जंगलों को काटेंगे तो वहाँ के जो इतने वाइल्ड एनिमल स्पीसीज हैं ये शहरों की तरफ आ जाते हैं या दूसरे जंगलों में चले जाते हैं, और एक फिर हमारे ये स्पीसीज जो हैं वो कम हो रही है, एक तो शिकार करने से और एक तो जंगल काटने से। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, कुछ तो अपने आप ही कम हो रहे हैं, ठीक है, कई स्पीसीज तो इंडिया में वो ख़त्म ही हो गई हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क्स सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप, तो इनको जानवरों को बचाने के लिए, ठीक है, जो जानवर जो हैं ख़त्म हो रहे हैं फॉरेस्ट में, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बहुत सारे एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया है, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं बर्ड्स और एनिमल्स के लिए, सेंचुरीज में तो अलग से एक इलाका बनाया गया है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप, और ज़मीन पे ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे ये एनिमल जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग रहने के लिए वो जगह बनाई गई है। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिनका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए और एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। तो ये है हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है, कि बहुत सारी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि एक तो हम पेड़ काट रहे हैं और इंसान उनको शिकार करते हैं। तो देखिए, इंसान जो अपने मतलब के लिए हाथी का भी शिकार करता है उसके दांतों के लिए, शेर का शिकार करता है या चीते का शिकार करता है उसकी स्किन के लिए करता है, स्नेक का शिकार करते हैं उसके जहर के लिए करता है, तो इंसान जो करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन एनिमल्स को हंटिंग करता है, शिकार करते हैं, और अपने ही मतलब के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं। इससे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को, हमारा वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को, इसमें बहुत ही हमें फ़र्क पड़ता है, और एक हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है उसमें भी फॉरेस्ट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो बच्चों आज बस इतना ही, तो मैं कल आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा वाइल्ड लाइफ के बारे में। थैंक यू।